जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अकाउंटिंग गुरु के इस नए लेक्चर में। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। बात करेंगे जिन बच्चों का बीकॉम है, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर है या फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वहाँ पर ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक बहुत प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलिए फिर फटाफट इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो देखो, जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। यानी पहले क्या होता था कि जब तक आर्टिकल 370 था, तब तक हमारे स्टेट जम्मू और कश्मीर में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, पूरे देश में एक ही कानून बन गया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। साथ ही साथ जो कमेंसमेंट यानी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात अगर हम करते हैं, तो डेट ऑफ क्रिएशन या डेट ऑफ अप्लीकेशन वो है आपका 1 सितंबर 1872। यानी 1 सितंबर 1872 में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश में लागू हो गया था। अब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को हम कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ एग्रीमेंट विद द इनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये दो एलिमेंट आपको देखने को मिल जाए, पहला एलिमेंट जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं और दूसरा एलिमेंट जिसे हम इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ कहते हैं, तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ सर, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट में आपके दो एलिमेंट आते हैं, एक एलिमेंट आता है आपका ऑफर और दूसरा एलिमेंट आता है आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्रीमेंट की, कि एग्रीमेंट होता क्या है। तो एग्रीमेंट में जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके दो एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट आपका ऑफर होता है और दूसरा एलिमेंट आपका एक्सेप्टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन रहता है आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट और आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट। अब इनके डिफरेंस से आपको ये पता चल जाएगा कि किस एग्रीमेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फोर्सिबल बाय द लॉ है। जैसे अगर हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करें तो किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए एटलीस्ट टू पार्टी चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करें या सोशल एग्रीमेंट की बात करें या रिलीजियस या कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करें, तो दोनों ही एग्रीमेंट में आपको टू पार्टी देखने को मिल जाएगी। दोनों ही एलिमेंट जैसे आपके ऑफर और एक्सेप्टेंस हैं, ये भी आपको अलग अलग एग्रीमेंट में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो आपका सोशल हो, चाहे वो आपका रिलीजियस या कॉमर्शियल ही क्यों ना हो। अब एग्जांपल के लिए मैंने डोमेस्टिक में हस्बैंड और वाइफ को रखा है, सोशल में फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड को रखा है, रिलीजियस में मंदिर वर्सेस चंदा को रखा है और कॉमर्शियल में कार डीलर और कस्टमर को रखा है। फिर उसके बाद अगला डिफरेंस है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन। जो भी हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है या सोशल एग्रीमेंट होता है या रिलीजियस एग्रीमेंट होता है, ये लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं करता, ये कोई भी लीगल रिलेशन को क्रिएट नहीं करता। लेकिन कॉमर्शियल एग्रीमेंट एक इकलौता एग्रीमेंट है जो आपके लीगल रिलेशन को क्रिएट करने के साथ साथ लीगल ऑब्लिगेशन को भी क्रिएट करता है। यानी ये बाकी एग्रीमेंट ना तो लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं ना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल एग्रीमेंट ही एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लीगल रिलेशन के साथ साथ लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वन पार्टी श्यू द अदर पार्टी। तो अगर आप लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक दूसरे के ऊपर केस भी फाइल नहीं कर सकते काम करवाने के लिए। लेकिन कॉमर्शियल जो कि लीगल रिलेशन और लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहा था, तो वो ये कर सकता है कि अगर मान लीजिए कार डीलर कोई फ्रॉड कर रहा है तो कस्टमर केस कर सकता है, और अगर कस्टमर कोई फ्रॉड कर रहा है तो कार डीलर केस कर सकता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, देखेंगे ये पॉइंट लिखा है आपका, लॉ ऑफ एग्रीमेंट इज अ क्रिएटेड जस्ट इन परसोनम नॉट जस्ट इन रिम। परसोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन, और जस्ट इन रिम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट थिंग एट लार्ज। परसोनम का मतलब हम यहाँ पे जो लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे थे, तो जिसके वजह से हर पर्सन के पास एक स्पेसिफिक राइट आ जाएगा, और ये जो राइट है आपका
सामने वाले से काम कराने के लिए विवश सामने वाले को कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सेक्शन 171 से लेकर सेक्शन 75, जिसे हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका स्पेशल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 238 तक पढ़ेंगे। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 और स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 238 तक है, ठीक है। अब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में दी गई है, और उस डेफिनेशन में कहा क्या गया है कि एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इज अ इनफोर्सिबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा ही कि भाई जो आपका एग्रीमेंट है, जब आप उसमें इनफोर्सिबिलिटी वाला एलिमेंट मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे यहाँ पे लिखा ही है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाई द लॉ, ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या होता है भाई, एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, यानी यहाँ पे जो वादा किया गया है या सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी एक साथ दो वादा किया गया भाई, ऑफरर और ऑफरी, जो पर्सन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप समझो कि एक पार्टी जो ऑफर दे रही है, एक दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, तो जो पार्टी ऑफर देती है उसे हम ऑफरर का नाम देते हैं, जिस पार्टी को ऑफर दिया जाता है यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम ऑफरी का नाम देते हैं। तो यहाँ से एक ऑफर गया, उधर से एक्सेप्टेंस आई, तो आप ये कह सकते हो कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, यानी जो यहाँ पे ऑफर का लेन देन हो रहा है, जो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का लेन देन हो रहा है, वो आपका कंसिडरेशन को लेकर ही होना चाहिए, यानी विदाउट कंसिडरेशन आप उसको इन्फोर्सेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शन हैं कंसिडरेशन की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका क्या है कि सर प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस मीन्स अ प्रपोजल, प्रॉमिस मीन्स अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम द प्रॉमिस, यानी जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रपोजल आपका प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जब तक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तब तक आप उसे प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो रेडी रहिए इस पॉइंट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा प्यारा पॉइंट है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस तो इनके सेक्शन का है, कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में बताया गया है, जबकि एग्रीमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में आपको बताया गया है। देन उसके बाद डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखा क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एन इन्फोर्सिबल बाय द लॉ, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल ऑफ लॉ के द्वारा मिलता है, बनता है। और अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट में एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन एट ईच अदर इज कॉल्ड द एग्रीमेंट, बात क्लियर हो गई। स्कोप की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि हर जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉमर्शियल वाले पे ही आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट सोशल भी है, रिलीजियस भी है, डोमेस्टिक भी है, इसी वजह से इसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा वाइडर होता है। नेचर की अगर हम बात करें तो ओनली द वैलिड एग्रीमेंट आर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर आपका एग्रीमेंट वैलिड है तो ही आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि एग्रीमेंट कैन बी द लीगल और कैन बी द इनलीगल, यानी एग्रीमेंट आपका लीगल भी हो सकता है और एग्रीमेंट आपका इनलीगल भी हो सकता है। इनलीगल का एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भैया चलो बैंक में डकैती करके आ जाए, तो अगर आप बैंक में डकैती करने जाते हैं तो सीधी सी बात है ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, भाई चोरी करना क्या है, अपराध है, अगेंस्ट योर इंडियन पिनल कोड है, तो सीधी सी बात है आप इसे क्या बोल सकते हो कि सर ये आपका इनलीगल एग्रीमेंट है, ठीक है। एग्रीमेंट अगर है तो आप उसे मे और मे नॉट बी इन्फोर्सेबल, यानी अगर लीगल एग्रीमेंट है तो कर सकते हो,
लॉ में आप उसकी गुहार लगा सकते हो, लेकिन अगर इनलीगल है तो फिर उसकी गुहार आप नहीं लगा सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, कॉन्ट्रैक्ट इज अ इन्फोर्सिबल, क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा, जो कि आप लोगों ने इससे पहले देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने एक अलग टॉपिक को, एक नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वन बाय वन अब इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ऑफर का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देगा, ऑफर देगा ये काम करने या काम ना करने के लिए, ये काम करने या ये काम ना करने के लिए। देखिए लिखा क्या है कि एग्रीमेंट इन्वॉल्व टू पार्टी। भाई सीधी सी बात है, एग्रीमेंट में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होंगी? सर टू पार्टी इन्वॉल्व होंगी। ऑन मेकिंग द अदर एंड द अदर इज एक्सेप्टिंग इन, यानी एक पार्टी ऑर्डर करेगी, एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही एक्सेप्ट करें और आप ही क्या कर लें? ऑफर कर लें। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए किसी न किसी दूसरी पार्टी या किसी न किसी दूसरे पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो एक पार्टी भाई मतलब टू पार्टी मस्ट बी देयर, दो पार्टी होनी ही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आप ऑफर देंगे वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। जो आप ऑफर देंगे वो क्या होना चाहिए? 100% कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक्सेप्टेंस किया जाएगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, जो आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने टर्म्स लगाया तो आपका जो ओरिजिनल ऑफर है वो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगा, बल्कि आपका ऑफर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपने कोई कंडीशन लगा दिया तो ओरिजिनल ऑफर आपका कैंसिल हो जाएगा और उसके जगह एक नया ऑफर क्रिएट होगा। वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको टाइप ऑफ ऑफर के बारे में बताएंगे, जिसमें स्टैंडिंग ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, कई सारे ऑफर आएंगे, वो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका एक्सेप्टेंस है, शुड बी ऑल्सो इन द मैनर और अ मोड प्रिस्क्राइब्ड। आप उस ऑफर को उसी मैनर में एक्सेप्ट करिएगा, उसी मोड में एक्सेप्ट करिएगा जिस मोड में आपसे कहा गया है। यानी अगर बोला गया है कि आप ईमेल में अपना एक्सेप्टेंस भेज दीजिए तो ईमेल में आपको भेजना पड़ेगा, बोला गया है कि कॉल करके अपना एक्सेप्टेंस दे दीजिए तो कॉल करके आपको बोलना पड़ेगा। यानी जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मोड में आपको आपका ऑफर क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देन उसके बाद अगला पॉइंट है आपका इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। यानी जो भी ऑफर किया जाएगा, जो भी ऑफर किया जाएगा उस ऑफर का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो होता है क्रिएट द लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशनशिप। यानी अगर आपने विदाउट लीगल रिलेशनशिप के बारे में बात किया, जैसे मैंने कहा ना कि आप सोशल, रिलीजियस या डोमेस्टिक एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता है। लिखा क्या है कि ऑफर शुड बी एंटर्ड इनटू विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप और ऑब्लीगेशन। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। देन उसके बाद अगला पॉइंट है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? देखो, लॉफुल कंसिडरेशन का पहले तो जानो कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। जब ऑफर किया गया है तो उसके लिए भी कोई ना कोई कंसिडरेशन होगा, जिसने एक्सेप्ट किया है उसके लिए भी कोई ना कोई कंसिडरेशन होगा ही होगा। तो ये जो आपका कंसिडरेशन है, ये आपका कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ कैश और काइंड होने के साथ साथ ये क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। यानी जो भी लेन देन आप कर रहे हो, जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है आपका, वो आपका कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कौन कौन वो व्यक्ति होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला व्यक्ति आता है आपका मेजर, यानी 18 साल से ज़्यादा। दूसरा साउंड माइंड, यानी जिस व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता है, जिस व्यक्ति का दिमाग एकदम सही है वो साउंड माइंड होता है और वो कहीं पे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो। यानी अगर आपके अंदर ये तीन फीचर है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पास एक पावर है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की। अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है तो फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगला पॉइंट है आपका फ्री कंसर्ट। ये फ्री कंसर्ट क्या होता है? फ्री कंसर्ट का मतलब होता है कि भाई फ्री, जो भी आपने एक्सेप्टेंस दिया है वो एक्सेप्टेंस किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी प्रभाव में नहीं होना चाहिए। कोई आपसे झूठ बोल के दबाव, कोई आपसे झूठ बोल के आपकी एक्सेप्टेंस ना ले। ठीक है, आपसे कोई चीटिंग करा के एक्सेप्टेंस ना ले। तो
अगर आपकी जो कंसर्ट है, जो आपकी सहमति है, वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। जिस सेम थिंक में ऑफर दिया है उसी सेम सेम थिंक में उस ऑफर को क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो वो आपका कहलाता है फ्री कंसर्ट। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे कंसिडरेशन आपका लॉफुल हो उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस उद्देश्य से आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो फ्रॉड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए, तब आप जाके कह सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जैसे पहला पॉइंट था आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा पॉइंट था इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, तीसरा था आपका लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा था आपका कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, फी कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, और फिर अगला पॉइंट है आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, ये नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, या पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म्स, या लीगल फॉर्मेलिटी। ये सारे के सारे इसेंशियल पॉइंट थे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या हैं, इसेंशियल पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इनके बिना आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें आपकी शामिल होनी ही होनी चाहिए। तो आप हेडिंग डाल के ये लिख सकते हो, इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं जिसका नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने चार तरीके के पार्ट्स डिवाइड हुए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मेशन, दूसरा है आपका ऑन द बेस ऑफ द वैलिडिटी, पहला है आपका ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मेशन, दूसरा है आपका ऑन द बेस ऑफ द वैलिडिटी, तीसरा फेस है आपका, तीसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ द एक्सिक्यूशन, और लास्ट फेस है या लास्ट पार्ट है आपका ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। तो बनाया कैसे जा सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, पहला है आपका एक्सप्रेस, दूसरा है आपका एम्प्लाइड, और तीसरा है आपका क्वासी। वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो वैलिडिटी मतलब वैधता, तो वैधता में सबसे पहला आता है आपका वैलिड, दूसरा आता है आपका वॉइड, फिर आता है आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वाइड एग्रीमेंट, और फिर लास्ट आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें भी आपके चार आते हैं, पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वाइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑन द बेस ऑफ एक्सिक्यूशन, यहाँ पे दो हैं, एक है आपका एग्जीक्यूटेड और दूसरा है आपका एग्जीक्यूटरी। फॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो पहला है आपका फॉर्मल और दूसरा है आपका सिंपल, ठीक है। इतनी बातें तैयार हो गई, इतनी बातें दिमाग में आ गई। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। भाई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ओरली या फिर रिटन, या तो आपने जो ऑफर दिया है या जो आपने एक्सेप्टेंस किया है वो ओरली होना चाहिए, या फिर वो आपका वर्ड रिटन होना चाहिए, ठीक है, बोलकर या फिर लिखकर, बोलकर या फिर आपका क्या लिखकर। लिखा क्या है कि व्हेन वन पार्टी मे बी द ऑफर बाय द वर्ड, एक पार्टी यहां पे ऑफर देती है बाय द वर्ड, वर्ड मतलब बोलकर, और रिटन, एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट द अकॉर्डिंगली दीज आर द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी दोनों पक्ष अगर बोलकर या लिखकर अपना ऑफर और एक्सेप्टेंस देते हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को इसे हम लोग गर्भित अनुबंध भी कहते हैं। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप जो यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं या जो आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो बाय द कंडक्ट दे रहे हैं, बाय द वर्क दे रहे हैं, बाय द बॉडी लैंग्वेज दे रहे हैं। यानी यहाँ पे आप ना तो बोल रहे हैं ना तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, बस आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सामने वाले को लग जाए कि हाँ सर हम रेडी हैं ये काम करने के लिए। जैसे आप बस में बैठ गए तो कंडक्टर को तो लगेगा ही कि आप बस में ट्रेवल करने के लिए ही तो बैठे हो। आप होटल में बैठ गए तो उस वेटर भैया को तो यही लगेगा ना कि आप खाना खाने के लिए बैठे हो। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग नाम देते हैं आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय द, शब्द क्या लिखा है, कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टी, कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टी, नॉट बाय द वर्ड
स्पोकन और अ रिटन। बात क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट आता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अर्ध निर्मित अनुबंध भी कहते हैं। इसको गर्भित कहा जाता था, इसको अर्ध निर्मित कहा जाता है। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि जो ऑफर दिया गया है या जो एक्सेप्टेंस दी गई है वो पार्टी के बीच में नहीं दी गई है, बल्कि उसको किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपको आपके सर पे डाला गया है। जैसे कोई कोर्ट अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दे, अगर कोर्ट ऑर्डर दे रहा है सामने वाले को भैया ये काम आपको करना है, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है, इस प्रकार का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। यानी सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट क्रिएटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। मतलब देख लो ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, ये ना तो एक्सप्रेसली होगा ना तो क्या होगा, इम्प्लाइडली होगा। बाई द पार्टी बट क्रिएटेड बाई द लॉ, यानी जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग नाम देते हैं आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हम नाम देते हैं। ठीक है, अब बाकी क्लास हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिए। अच्छा लगा हो कंटेंट तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आप इस लेक्चर के लिंक को शेयर कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी या किसी भी क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ख्याल रखिए आप सभी अपना, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।